15 अगस्त 2018 को हम देश का 72वां आज़ादी दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन जिन जवानों की शहादत से कायम है हमारी और हमारे देश की आज़ादी, उन शहीद होने वाले फौजी जवानों के परिवार वाले राजनीतिक नेताओं के झूठे वायदों के कारण नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि भी उन्हें नहीं मिल पा रही। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों के बूढ़े माँ बाप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इन समस्याओं को लेकर जब गुरदासपुर के गांव रायचक के शहीद हवलदार पलविंदर सिंह के परिवार से बात की गई तो परिवार का दर्द और पीड़ा उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। बता दें, शहीद पलविंदर सिंह ने 4 दिसंबर 2017 को श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर खन्नेवाल में आतंकियों से हुई लंबी मुठभेड़ में 3 आतंकियों को घेर कर शहादत को पाया था। पलविंदर सिंह के शहीद होने के बाद पंजाब सरकार के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि इस हलके के विधायक भी हैं, ने शहीद के गांव में हाई स्कूल का नाम शहीद पलविंदर सिंह करने की घोषणा के साथ स्कूल को सीनियर सेकेंडरी करने का वायदा किया था। उसके साथ ही गांव में शहीद के नाम का खेल स्टेडियम और शहीद के घर की गली को पक्का करने का वायदा भी किया था, लेकिन करीब 9 महीने गुजरने के बाद भी वायदे केवल वायदे ही बनकर रह गए। शहीद की पत्नी की सरकार से मांग है कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें 12 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया था, जिसमें से सिर्फ 5 लाख ही उन्हें अब तक दिए गए हैं। सानू 12 लाख असीं दांगे, उहदे विच सानू 5 लाख मिलिया होया है, 7 लाख दा अजे बाद विच असीं सारे डाकूमेंट तैयार करके भेज दिते होए सरकार नूं, सानू कोई भी बाद च भी नहीं मिले हैगे पैसे, और साडा केस जिहड़ा पेंडिंग पिया है, और असीं यही मांग करदे हां सरकार तों कि सानू मिलने चाहीदे। मेरे बच्चे छोटे ने और मैं उन्होंने देखभाल जड़ी उन्हों की चंगी तरह सर कोई नहीं किया उन्होंने वादा जी सर अं तो कहे भी साड़ी शहीद के परिवार की तो सुनो इन्ना देश वास्ते वो सब कुछ करके गए ने, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, बाद में साड़ा हालत पूछ ही नहीं आन के कि शहीद के परिवार के हाल है की नहीं, बस उदो वादे कर गए, बाद किसी ने सू कुछ नहीं पूछा है। शहीद के पिता का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में काम के सिलसिले में कई कई घंटे उन्हें लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्ग होने के कारण वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि शहीद परिवारों को वो कोई पहचान पत्र जारी करे ताकि उन्हें लाइनों में लगना ना पड़े। राजे की तैयत पे गली पर गेट बार स्कूल का गेट का किया गेट स्कूल किया 12 तक स्कूल करांगे, अजे तक 9 महीने में कोई तक कोई गल नहीं, कोई भी वादा नहीं पूरा हुआ। फिर उन्हें कह गई बनावे आ छप्पड़ का कंडा वा तो सू खतरा वा हरे नीह बह जाएंगे शहीद तो चला गया, फिर वह मगर कदना कोई नहीं बच्चे जाने ये जो वादे किए पूरे करने चाहिए। हाँ एक स्टेडियम का वादा किया स्टेडियम बना के देंगे, वह साढ़े नौजवानों ने पिंड चो ग्राई करके तो कुछ पैसे लाए काफ़ी, हूँ सरकार पैसा दे तो गांह लाइए इन्ना इन्नी ग्राई ही पिंड चो दे नहीं सकते, तो हूँ तो सरकार MLA साहब दवे पैसे दे लाइए तो स्कूल का चेहर बन गए, खेडा खाडा जवान करते हैं तो लांघते पिंड जाते डेरे जाते हैं उत्थे जाके दौड़ा लाने जाते हैं तो साढ़े पिंड बन गए तो अं साढ़े बच्चे गांव खेडन सोचने वाली बात यह है कि इस आज़ादी को कायम रखने और हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, क्या उन शहीदों के परिवारों को दुख के आंसू देकर आज़ादी दिवस मनाना कितना जायज है